प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन के झूलते बाग। एंशिएंट वर्ल्ड का ये इकलौता वंडर है जिसका कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आज तक कोई नहीं जानता कि इसको सच में किसी ने अपनी आंखों से देखा भी है या नहीं। यही वजह है कि आपने अपने जीके के बुक्स में हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के सिर्फ पेंटिंग्स देखी होंगी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हैंगिंग गार्डन को बेबीलोन के किंग नेबूकदनज़ार ने अपने महल द मार्बल ऑफ मैनकाइंड में अपनी मीडियन वाइफ क्वीन अमाइटिस के लिए बनवाया था। दूसरी ओर कई लोग मानते हैं कि ये गार्डन प्योरली मिथिकल है, यानी कि ये रियलिटी में कहीं है ही नहीं। ये सिर्फ राइटर्स और ट्रैवलर्स की मनगढ़ंत कहानी है। एक थ्योरी ये भी कहती है कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन एग्जिस्ट करता था, पर 2nd century BC में हुई लड़ाइयों और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से ये तबाह हो गया। तो आखिर क्या राज है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन का? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और गहराई से जानते हैं हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के बारे में आज के इस एपिसोड में। आज की डेट में तो आपने साइंस और इंजीनियरिंग एडवांसमेंट के कई एग्जांपल्स देखे होंगे, उसी तरह प्राचीन समय में भी बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशंस थीं जिन्होंने अलग अलग तरह से इंजीनियरिंग संरचनाएं बनाई थीं, जिन्हें सोचकर लगता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, वो भी उस टाइम में। आज के साइंटिस्ट और खोजकर्ता प्राचीन समय की जिन संरचनाओं को नहीं समझ पाते उन्हें 7 wonders ऑफ एंशियंट वर्ल्ड में गिना जाता है। रिसर्चर्स हमेशा से जानना चाहते हैं कि आखिर हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन के नाम से मशहूर इन बागों को इतनी ऊंचाई पर उगाया कैसे गया होगा, और अगर ये हमेशा हवा में तैरते रहते थे तो हवा में बिना पानी के, बिना जमीन की मिट्टी में जाए, इनकी जड़ें हवा में टिकी कैसे रहीं। कई ग्रीक हिस्टोरियंस जैसे कि स्ट्रैबो और डियोडोरस साइकुलस ने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में मेंशन किया है कि हैंगिंग गार्डन का निर्माण बेबीलोन के राजा नेबूकदनज़ार सेकंड द्वारा अपनी वाइफ क्वीन अमाइटिस को खुश करने के लिए करवाया गया था, क्योंकि रानी राजा के महल में हमेशा हरे भरे पहाड़ों और घाटियों को याद करके दुखी और उदास रहा करती थी। वजह थी कि शादी के पहले वो मीडिया की रानी थी और वहीं रहती थी। मीडिया उस टाइम के एक शहर का नाम था और वहाँ चारों तरफ हरी भरी हिल्स, वैलीज और झरने थे, पर बेबीलोन बिल्कुल एक फ्लैट एरिया था और बेबीलोन में इन सभी चीज़ों का अभाव था। रानी को हरे भरे पेड़ों की याद आया करती थी, इसलिए राजा ने आदेश दिया था कि रानी के लिए एक बेहद ही यूनिक और खूबसूरत बगीचा बनाया जाए। इसके साथ ही रानी को खुश करने के लिए राजा ने द मार्बल ऑफ मैन नाम का एक भव्य महल भी बनवाया था। नाम सुनकर लगता है कि ये हमेशा हवा में झूलते रहने वाले बाग होंगे, पर ये जमीन से 75 फीट की हाइट पर 400x400 फीट के महल की सभी छतों पर थे और इनको पानी बगल की झील और यूक्रेटस नदी से मिला करता था। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन में डिफरेंट टाइप के पेड़, अद्भुत झाड़ियाँ और स्टेयर्स के शेप में बगीचे बने थे। ये गार्डन इतना बड़ा था कि दूर से देखने पर पहाड़ सा लगता था। उस टाइम पर राजा नेबूकदनज़ार का एरिया सबसे अमीर नेशन हुआ करता था और ऑब्वियस ही बात है कि इस तरह के गार्डन के निर्माण के लिए भारी रकम की जरूरत पड़ी होगी। एक एजम्पशन है कि अगर आज भी हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन मौजूद होता तो वो इराक के बगदाद शहर में होता और उसे सींचने के लिए हर रोज 31,000 liters पानी की जरूरत पड़ती। राजा नेबूकदनज़ार ने 605 BC से 562 BC तक शासन किया था, तो माना जाता है कि इन्हीं 43 साल के बीच में कहीं हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को बनाया गया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन 2nd century BC के बाद हुई लड़ाइयों की वजह से तबाह हो गया, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि 2nd century BC में एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन नष्ट हो गया। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सब ग्रीक हिस्टोरियंस की डॉक्यूमेंट्रीज के बेसिस पर थी। आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है कि हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन जैसी चीज़ सच में कभी एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं, पर एक चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ प्राचीन समय में था तो हमें उस टाइम के इंजीनियर्स की ज़रूर तारीफ करनी चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए।